क्या बोले? मींगा मींगना, उसके बदले में ऊंट मिलता है। सर बच्चों को ऐसा नहीं करते सर, नहीं नहीं ये नहीं करते। लो हम अभी 18 साल के नहीं हुए सर। ओ भाई भांगी कतली भी है। सही है यार, मैं ज्यादा बोल रहा था। हरीश जी ने मेरी जबान बंद करने के लिए बिस्किट दे दिया। क्या सर, क्या जबरदस्त है। ये मीठा वाला है। और ये जो ये सांचा कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? ये आटा पट्टी की का हैंडमेड मशीन है। अच्छा, हरिया रोड ब्रिज की एक और जबरदस्त ताजा तरीन और नेक्स्ट लेवल के धारावाहिक में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपका अपना हरिया। और भाई आपको तो पता है कि हम बीकानेर में घूम रहे हैं और बीकानेर की बढ़िया बढ़िया गलियों के अंदर बढ़िया बढ़िया स्वाद जायके और चटाके आपको दिखा रहे हैं। आज की वीडियो में बहुत ही ज्यादा कमाल खाना होने वाला है और कमाल खाना यहां से शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आ जाओ मेरे साथ भाई आज नेक्स्ट लेवल के भी ऊपर। और गर्मी अनाउंस हो चुकी है। ग्रेजुएट कांजीवाड़ा वाले आप ही हैं? नमस्कार सर। सर एक मिनट माइक लगा दूं? तो अभी क्या लगा रहे हैं सर? दही भल्ला। सबसे पहले तो दही भल्ला ही लग रहा है भाई। इधर देखो, भल्ले रखे हैं इन्होंने बर्फ के ऊपर और दही एकदम गाढ़ी लग रही है, कमाल की। ओ वाह, ये जीरा है, ये दो तरह के नमक है, काला नमक, सफेद नमक, ये मिर्ची, ये ऊपर से दही और चम्मच। और चम्मच, बढ़िया। तो सर ये कितनी पुरानी दुकान है? 22 साल हो गए मेरे को काम करते। तो आप 22 साल पहले से ग्रेजुएट है? हाँ 22 साल पहले। अरे वाह, 92 का जी, 92 का ग्रेजुएट हूँ मैं। तो मैं आपसे पूछ सकता हूँ आपने किस चीज में ग्रेजुएशन करी है? मैंने बीए कर रखा है, फिर एमए कर रखा है, स्ट्रीम में फिर एमजीए में कर रखा है। क्या बात है, इतनी पढ़ाई लिखाई। और फिर सर ये आपका फैमिली बिजनेस था? नहीं नहीं, तो आप ही ने चालू किया? मैंने खुद ने। तो आपने इसमें क्या देखा सर ऐसा? मैं मींगने सटे ऊँट है। क्या बोलूँ, मींगा मींगना, उसके बदले में ऊँट मिलता है। ये तो आपने कहावत कह दी। हाँ, तो इसी इसी बच्चों को समझाइए। इसी मिनिमम मिनिमम इन्वेस्टमेंट, मिनिमम लेबर, जी जी जी, मैक्सिमम प्रॉफिट। अच्छा, तो आप खुश हैं? बहुत खुश हूँ, बच्चों को पढ़ा दिया मैंने। जी जी जी, आठ बच्चे पढ़ लिए। कांजीपुरे में पानी वेस्ट हूँ सर। पानी में जो खासियत है वो बताइए सर, जिसकी वजह से लोग यहाँ पे आते हैं और आपका नाम जो है वो पूरे भारत में फैला हुआ है। पर आपने शुरू में ही ना बात खत्म कर दी, मैं आगे सवाल पूछने वाला रहा नहीं। जी जी जी, क्योंकि आपने बहुत बड़ी बात को छोटा सा बना दिया। एक संस्था है हमारा मंदिर है जी, एक संस्था है। तो उस पर अगर जो बात कही ना आपने, आपने कहा कि पूरे इंडिया में नाम है आपका जी, तो अगर वहाँ से कोई मेंबर होता ना तो इसको यही बोलता भी मारवाड़ी भाषा में गोट बोलते हैं, जैसे यहाँ पे गोट करते हैं सारे अपना अपना। आपके कहने पे वो गोट लग जाती है, अरे पूरे इंडिया में नाम हो गए जी, तो वोट करनी है, वोट लग गई आपके। अरे घड़ी आप सर इनके एक सौ साठ भाई। ये जो कांजी का पानी है डाइजेस्ट करता है खाए पियो। जी जी जी, और सारा मेथड आयुर्वेदिक मेथड है। अच्छा, तो इसमें क्या रहता क्या है? इसमें मतलब इसमें दही है, रई है, कोकम है, सूंठ है, नौसादर है, मरेठी है, हाँ हींग है, काला नमक है, सफेद नमक है, सूखा नमक है। हमारे बीकानेर में रामी राम जी बैठ हुआ करते थे। अच्छा, उन्होंने मेरे को पूरा फार्मूला बताया। अच्छा, इस हिसाब से आप कांजी बनाइए, बिकेगी को हमारे चाय पत्ती में घुसता है। और इसके साथ ही जो वड़ा है ये कैसे बनाते हैं? ये मोठ दाल का पकौड़ा है। ये मोठ दाल को एक घंटे भिगोना पड़ता है, उसमें नमक मिर्ची डाल करके इसको पकौड़ा बना के तलते हैं जी। तो आपने जो नाम है ग्रेजुएट कांजीवाड़े, ये 22 साल पहले रखा था? हाँ जी। अरे भाई सही, 25 साल पहले, 25 साल हो गए, लगभग 25 साल हो गए, 25 साल हो गए भाई। ये छोटी पकौड़ी है सर? ये कांजीवाड़ा ही है। ये कांजीवाड़ा के लिए जो वड़ा है, ये कांजीवाड़ा, ये पानी है, उसको साथ में मिला के खाया जाता है। दुनिया के सबसे बड़े सबसे सस्ता साधन है डाइजेशन करने। जी जी जी, पहले आप बीकानेर में क्या पुष्कर जात रोज वो तीन धड़िया खाना खाया करते थे। जी जी जी, राज दरबार जो लोग थे वो तीन खाना खाओ और यहीं पड़े रहो, कमाने की जरूरत नहीं है। उसको डाइजेस्ट कैसे किया जाए? डाइजेस्ट 40 रुपया डाइजेस्ट के साधन नहीं, सबसे सस्ता साधन था। ब्राह्मण लोग जो सुबह खाना खाया, दोपहर में कांजी पी, फिर फ्रेश हो गए जी, फिर दोपहर में खाना खा लिया जी, फिर शाम को कांजी पी, फिर रात को खाना खा लिया जी जी जी। तो कुछ आनी भाई साहब 20 रुपये। बढ़िया यार, जबरदस्त सेटअप है यहाँ पे इनका। और लोग जो है वो दूर दूर से आ रहे हैं, कोई पास पास से भी आ रहे हैं, और ये कांजी वड़ा जो है रेडी है। और सर कांजी जैसे डाल, जैसे यहाँ पे कोई आके खाता है तो उसको एक्स्ट्रा भी डाल देते हैं। बढ़िया, पैक करके देते हैं। ये क्या लोकेशन है सर अपनी? ये बीकानेर के इनसाइड सिटी और बड़ा बाजार एरिया। जी जी जी, और 500 मीटर के एरिया में 7 बाजार हैं। 500 मीटर के एरिया में 7 बाजार लगते हैं। और आपके यहाँ की टाइमिंग्स क्या है सर? सुबह 7 से रात को 9:30 बजे तक, गर्मी में, सर्दी में सुबह 8 से रात को 8 बजे। और एक बार रेट भी बता दीजिए दोनों चीजों के। 20 रुपए पीस है दोनों का। 2000 10 से 10 रुपए पीस है। 2000 सरकार बदलने के बाद में जी, महंगाई की वजह से हमने इसके पैसे बढ़ा दिए। अच्छा,
तो सर एक कांजी बड़ा हमें भी दीजिए प्लीज। आज आप खाइए आराम से। बाजारी अच्छा जी जन कवि हुए उनकी कविता की लाइन रोटी नाम सत्य और खाए सो मुगत है जी। रोटी जो है उससे रोटी कमाते हैं। अरे वाह उसे खाते हैं रात को मुक्ति मिलती है। अब बात है रोटी से रोटी कमाते हैं। रोटी नाम सत्य है हाँ तो खाए सो मुगत है जी सही बात है। और फिर कुछ मैंने इलाहाबाद गया था हाँ ये काम मैंने क्यों किया इलाहाबाद गया था इलाहाबाद। अच्छा एक बहुत पंचर की दुकान थी साइकिल के पंचर मोटरसाइकिल के पंचर फोर व्हीलर के पंचर जी 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 और बहुत बड़ा पोर्ट्रेट लगा हुआ था। अच्छा कि तांत से बड़ा हुनर होता है। क्या बात है इसलिए वजह से मैंने काम सीखा ही है। वाह हाथ का हुनर होना चाहिए जी जी जी। लॉकडाउन में मेरा खूब काम आई है जी। वाह अरे कौन है ऐसा देखो लॉकडाउन में आपका काम चालू था खूब। वाह हम लोग भूखे नहीं थे चार आदमियों का रोजगार था मेरे पास जी जी जी। कचौड़ी पकौड़ी बेच रहे थे घर पे मना कर जबरदस्त। तो हुनर जो है वो ताज से बड़ा है यार। हुनर है ये देखिए भाई दही बड़ा बनाने के लिए सबसे पहले तो चार गोंजी बड़ा ये निचोड़ दिया दबा के। वाह एकदम अच्छे से नहला के ये आ गया जी दही भल्ला। अभी आप खड़े सट्टा बजा रहे हैं जी जी जी। नाली क्रॉस करेंगे सराफा बाजार। अच्छा वहाँ के थोड़ा क्रॉस करेंगे कपड़ा बाजार जी जी जी। ये एरिया खूब खाते नहीं जी। वाह ये देखो भाई ये कांजी वड़ा रेडी है। ये कांजी वड़ा एक और बढ़िया भाई साहब ये देखो ये है जी ग्रेजुएट वाले भैया का या ग्रेजुएट वाले अंकल जी का कांजी वड़ा। थोड़ा सा ट्राई करते हैं आपको बताते हैं दिखाते हैं। भाई आज हम डाइजेस्टिव चीजों पे ध्यान पता है क्यों दे रहे क्योंकि उसके बाद जो खाना आने वाला है इतना हैवी ड्यूटी है। दाल बाटी खाना है ना yes. दाल बाटी पकौड़े कचौरी समोसे जलेबी पता नहीं क्या क्या बीकानेर में बहुत ज्यादा खाना है और भैया बोल रहे फेमस है। अच्छा भैया RJ07SA इनका नाम पता नहीं है ना इसलिए ऐसे बोल दिया। बाइट ओहो हो बहुत स्ट्रॉन्ग है भाई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एकदम जोरदार हींग डाल रखी है। ओहो भाई बहुत ज्यादा हींग है ना डाइजेशन में बहुत इतनी हींग ज्यादा नहीं होनी चाहिए ज्यादा नहीं है डाइजेस्ट कर देता है। अरे भाई मैं तो एक चम्मच लिया और अंदर सारे जो है ना मतलब जो भी अभी तक खाया था वो सब आवाज आने लग गई है सोचो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओह बोलते हैं कि भूखे पेट नहीं खाना चाहिए जी 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 जी। वाह भाई साहब आके यहाँ पे ट्राई करो हम आगे चलते हैं और आप बोलो हरिया भाई तो कमाल है कमेंट्स में बोलो बोलो बोलो। ये जो गली है ये जी आप खड़े हैं अमेरिका में राष्ट्रपति कौन बनेगा वो यहाँ तय हो जाता है 6 महीने में इसी जगह पे तय हो जाएगा कि अमेरिका का राष्ट्रपति वो बन जाए। अरे भाई भारत का प्रधानमंत्री कौन बनेगा भारत का प्रधानमंत्री कौन बनेगा जी यही हो जाता है। छोटी सी 150 मीटर की गली है जी और राजशाही जो तंत्र थे उस वक्त भी यहाँ जी सट्टा वैलिड था जी 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 बारिश का खतरा भी होता है। अरे वाह क्या बात है तो मतलब पहले डिसाइड हो जाएगा एशिया में सबसे फेमस जगह ये है। जी 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 क्या बात बीकानेर छोटी काशी बीकानेर में ये सट्टा बाजार की गली है ये जी पूरे एशिया में फेमस है। वाह क्या बात का रीजन ये इसी गली कूचों से निकल के हजीराम जो है जी आज इंटरनेशनल मार्केट पे। वाह अच्छा इसी गली से हाँ इसी गली से इसी मोहल्ले से। वाह भाई साहब अभी हम आ चुके बीकानेर के सब प्रसिद्ध जमन जी पे जहाँ के जो पकौड़े भजिया नमकीन है बहुत ज्यादा फेमस है। किसके भांग के भजिया। अच्छा भांग के ये अरे ये भांग के अरे भाई साहब सही बात है। ओ वाह वाह अरे अच्छा ये भी ये सब भांग के ये नॉर्मल है ये कोई भांग के नहीं है सर सच क्या है अच्छा वो भांग के ये शिवरात्रि तो हो गई सर कब ये भांग अच्छा ये होली पे अरे वाह बीकानेर की होली भी बहुत मशहूर है। सर नमस्कार कैसे हैं सर बढ़िया। सर सबसे पहले तो ये बताइए कि कितनी पुरानी दुकान 8 साल 8 साल से दुकान चला रहे हैं और आते मुझे डरा दिया सर तो मतलब ये ज्यादा चढ़ने वाली भांग है कम चढ़ने वाली भांग नहीं चढ़ने वाले लिमिट गाना पड़ता है। अच्छा भांग तो चढ़ेगी भांग बिगड़ नहीं चढ़े भांग किया गया फिर क्या सही बात है मिर्ची तो लगेगी नहीं लगेगी तो क्या मिर्ची है ना तो वही वाली बात है जबरदस्त है। क्या क्या है सर ये बारीक भुजिया है ये 3 नंबर है ये मोटे हैं ये बिगर मिर्ची के हैं मिर्ची नहीं है इसमें मिर्ची के बिना मिर्ची के वो इलायची के इलायची 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 का अरे वाह। और ये देखो डूंगर शाही आगे उठा के दिखाइए सर ये देखो इसमें तो क्या कारीगरी करी होगी सर ये तो मेहनत की बात है बहुत मेहनत की बात है। सर आपने अभी कितने पकौड़े खाए। मैं भांग पीता हूँ रोज की 250 ग्राम 250 ग्राम 250 ग्राम पीता हूँ शाम को। अरे सुबह भी शाम में भी दोनों समय। तो अभी कितनी पी रखी है अभी मेरे 250 ग्राम पी रखी है। क्या बात है तो अभी आपका लिटल लिटल नहीं लिटल लिटल ज्यादा हो गया लीटर लीटर भाई। सर आज आपका नाम क्या है। मेरा नाम एस के आचार्य एस के आचार्य हाँ, और चौक आने वाला हूँ जी जी जी
और आज आप कहाँ? इधर इसी चौक में रहते हैं? चौक में आने वाला हूँ। अच्छा, और मैं भांग के बीजे के आगे टेस्ट करता हूँ। अरे वाह, तो आप मतलब टेस्ट करते हैं भांग का? करके इनको आगे करते हैं। जी जी जी, तो आप अप्रूव करते हैं कि भांग चढ़ेगी कि नहीं चढ़ेगी? नहीं, भांग तो चढ़ती है ही नहीं। अच्छा, भांग के ऊपर चाहिए माल चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा, जैसे काजू की कतली है जी, रबड़ी है जी, राजभोग है जी, रसमलाई है जी, ये खाने से क्या है भांग रहती है मस्त। अच्छा, और खाली सब्जी रोटी खाने से कोई मतलब है नहीं जी, भांग ये मांगती है माल जी। और मैं ये बीकानेर में, मैं पूरे इंडिया में घूमता हूँ। अच्छा, पूरे इंडिया में जी, मैं हर जगह घूम घूम करने देता हूँ। अच्छा, अभी मैं गया था चॉइस पर गया था। अच्छा, कलकत्ता गया था मैं। अरे कलकत्ता में वहाँ भांग भी आपने? कलकत्ता में गया था तो पंजाब से पठानकोट से आपको वहाँ लगता है लंगर लगता है जी, गंगा सागर में पठानकोट का वहाँ पर लंगर लगता है। अच्छा, कलकत्ता में गंगा सागर में पठानकोट का लंगर लगता है? अरे वाह, अरसल लगता है। अरसल, क्या बात है। तो मैं वहाँ पर अरसल आके वैसे वहाँ पहुँच गया था जी, तो वो भांग लेकर आए थे जी, कोई ऐसा आदमी है भांग पीने वाला? हाँ, मैं भांग पीने वाला है, हमारे यहाँ बहुत है जी, क्या बताइए जी। तो ये साधु महात्मा है, ब्राह्मण लोग है, ब्राह्मण लोग ज्यादातर भांग पीते हैं जी, तो 4 किलो भांग का हिसाब तो होगा हो गया। हाँ, उन्होंने हमको खूब खाना खिलाया जी, खूब उन्होंने आशीर्वाद दिया। सर मैं 1 मिनट आपसे ब्रेक लेता हूँ, पकौड़े खाइए, वो देखे निकला है, वो देखिए एंजॉय करिए सर, देखिए देखिए खाइए खाइए, ये दिखाइए सर आप, ये देखो ये भांग के पकौड़े हैं भाई, पकौड़े भुजिए हैं, भांग के भुजिए, ये भांग के भुजिए हैं। अच्छा, अरे वाह, तो अभी सर आप कुछ बता रहे थे? बोलिए। आप बता रहे थे सर, वैसे तो उन्होंने बोल दिया। डूंगर साही भुजिया। जी जी जी, डूंगर साही भुजिया के बारे में चल रहा था अपन। जी जी जी, ये इतने महीन भुजिया बनते हैं महाराजा डूंगर सिंह जी के नाम से। अच्छा, भुजियों की शुरुआत उसी भुजियों से हुई थी। अरे वाह, एकदम बारीक भुजिया होता है। तो ये नाम भुजिया जो है, डूंगर सिंह जी, महाराजा डूंगर सिंह जी थे, वो ये रेसिपी लाए थे, उनके नाम से है। बीकानेर के महाराजा थे डूंगर सिंह जी। जी, नॉर्मली के आगरा और में सेव बनती है, वो मशीन से बनती है जी। तो भुजिया का जो बनाने का तरीका ना, ये जौ के बल से जो बनता है जी जी जी, भुजिया बोलते हैं। अच्छा, इसमें क्या हाथ का पूरा बनाते हुए देखेंगे तो पूरा हाथ का पूरा प्रेशर बनता है। जी जी जी, जौ शोल्डर्स का जो है ना प्रेशर जी, उसकी वजह से भुजिया। अच्छा, इसलिए भुजिया है। अच्छा अच्छा अच्छा, बढ़िया। और सर ये दुकान कहाँ पे है, लोकेशन? आचार्य को चौक बीकानेर जी। और टाइमिंग आपकी? सुबह 6 से रात को 9 बजे तक जी। और एक चीज और बताइए कि मिनिमम भुजिया जो है कितने से शुरू हो जाता है रेट में? 220 रुपए किलो है। अच्छा, मिनिमम भुजिया 220 रुपए केजी है जी। डूंगर साही है, दो और महंगे है, भांग वाले अलग है, अलग अलग वेरायटी। भांग वाला जो है सारा साल मिलता है? नहीं नहीं, सिर्फ होली होली, सिर्फ होली होली पे 10 दिन मिलता है खाली, बाकी नहीं मिलता है। जी जी जी, होली के 10 दिनों में होलोकास्ट लगता है, उसके दिन से होली तक लगता है। अच्छा, 10 दिनों तक भांग के भुजे मिलते हैं। वाह, बीकानेर की होली प्रसिद्ध है, होली पे भुजे मांगते हैं। जबरदस्त, हर चीज मिलती है बीकानेर में। और भाई साहब इधर देखो, अच्छा अभी बना रहे हैं भुजिया? रोज बनते हैं, सुबह शाम को। देखो भाई ये भुजिया बन रहा है, ये देखो कंधे का इस्तेमाल। ओ भाई वाह, ये देखो ये भांग के। अरे वाह, ये देखिए भाई साहब खा रहे हैं, हम दिखा रहे हैं। और भाई अगर आज खा लिए ना तो मेरी ब्लॉगिंग फिर थोड़ी ऐसी हो जाएगी, तो मैं ऐसी ऐसी ब्लॉगिंग ना करके ऐसी ब्लॉगिंग ही करूँगा आज। बटी क्या करें बेटा, हाँ। अरे वाह, सही है सर, ये देखिए दम लगा के। सर आपके यहाँ नहीं कहते हईशा? हईशा नहीं, दम लगा के। ये सर गलत नहीं, ऐसे बच्चों को नहीं करते सर, ऐसा बच्चों को ये नहीं, नहीं वो भी बच्चा है सर, बच्चों को ऐसा नहीं करते। सब बच्चे हैं, सब बच्चे बच्चे बन के सच्चे हैं। क्या बात है, सही है सही है सर, आप बड़े यार की मौज है, आप बड़े शौकीन आदमी है सर। भांके शौकीन है, भांके का बदले मिजाज जी, कौन जाने किस घड़ी किस बस का बदले मिजाज, वक्त है फूलों की वक्त है काटो। क्या बात है, ओहो वाह, रोज भांग निजाम है। निजाम आ गए खुद। ये भांग वाले कितने के? 400 रुपए किलो है। क्या ये क्या रेट है? 400 रुपए किलो। ये 400 रुपए किलो है भाई, कमाल है। उधर देखिए ये भांग, ये शिवरात्रि पे भी बनाते हैं आप? शिवरात्रि पे भी बनाते हैं? शिवरात्रि को नहीं बनाते, नहीं बनाते, खाली ये होली होली चलता है बस। अच्छा, उनके बाद में नहीं। जी जी जी, ओके। हम क्या करते हैं, एक साल का लेके जी, एक साल का स्टॉक करते हैं, एक साल का। हाँ, तो आपका तो सर 10-12 क्विंटल लग जाता होगा भांग का भुजिया, पापड़,
कुड़कर जी भांग की रोटी कट रही है। भांग की रोटी? हाँ भांग की, अगर आपको खानी हो तो मैं अभी 5 मिनट में ले लिया तो। भांग की रोटी? हाँ, मैं मेरे घर में बनती है। सर आप जैसे आटा गेहूं ये सब नहीं खाते? बहुत कम खाते हैं, सिर्फ भांग हम खाते हैं माल। ओ भाई, आशिकों का एक पूछो, आशिकों का खर्चा खुदा नहीं करता है, जमीन नहीं तो आसमान से आता है। वाह 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 वाह, क्या बात है। पैसों की कोई चिंता नहीं करो। जी 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 जी, हमारे इधर दूसरे खूब बहुत कमाते हैं। वाह, एक और आपको शेर सुनाता हूँ जी, कि फूल खिलते हैं मगर कलियां खिलने नहीं देती। अच्छा, प्यार भरे 2 दिन मिलते हैं तो दुनिया नहीं मिलने देती। अरे क्या बात है सर। अगर आपको सर शेर सुनना हो जी तो हमारा शाम का हमारा जरूर भाई जी, बढ़िया। इधर देखिए, ये जो है अभी रेडी हो रहे हैं। देखिए हम थोड़ा जैसे भांग अवॉइड करते हैं तो अभी यहाँ पे क्या हमें ट्राई नहीं है, बिगर भांग है सारे, भांग का खाली वो एक है, मैं और कुछ नहीं है भांग के, तो ये बिना भांग के जो है सर, तो सर बच्चों को ऐसा नहीं करते सर, नहीं नहीं ये नहीं करते, हम अभी 18 साल के नहीं हुए सर। ओ भाई भांग की कतली भी है, सही है यार। ओ हो भाई साहब, मैं आपको भांग की कतली खाना देता हूँ। 120 रुपए का पीस है ये। अच्छा, ये पीस 120 रुपए का है। क्या बात है, जो भी दुकानदार कतली बनाता है ना जी, वो मेरे को 21 कतली पैक पैक कर देता है। क्या बात है, ये देखिए, ये डूंगर वाला है ना, ये डूंगर शाही भुजिया, टेस्ट करो। ये डूंगर शाही भुजिया है जी, ट्राई करते हैं, टेस्ट करो। ये थोड़ा सा ट्राई करते हैं भाई, इधर से देखो, इसमें भांग तो नहीं है ना सर? अरे नहीं नहीं, इसमें ये डूंगर शाही भुजिया है, गलत चीज नहीं होगी, इसमें भांग नहीं है, बिल्कुल ये हमारे साल भर बिकता है भुजिया। अरे वाह, आप पहली भी आए थे क्या इस बार? नहीं मैं पहली बार आया हूँ। सुबह बनते हैं रोज और रोज शाम को खत्म है यहाँ भुजिया, दोबारा दूसरे दिन बाद भुजिया नहीं बनते है। इलायची वाला यार, खाओ आप सब, खाओ, देखो भुजिया, देखो सही है भाई जी, बल्ले बल्ले। ये भुजिया एक तो यहाँ पर ताजा बनता है, दूसरी सबसे बड़ी खास बात ये कि ये प्योर मूंगफली तेल में बनता है, कोई पाम ऑयल का कोई भी तरह का अदर ऑयल जो नुकसान करता है वो यूज नहीं होता। कमाल है भाई, क्या टेस्ट है, जबरदस्त टेस्ट है। और बस सर बस मजा आ गया उसमें, उसमें जो गाठिया भी गांठिया, ये डंकोली है गांठिया, भांग का तो नहीं है ना? नहीं नहीं, भांग की कोई चीज आपको नहीं मिलेगी, पक्की बात ना सर? अरे भांग ऐसे ना हो कि मैं फिर झूम बराबर झूम करूं, भांग का कलर ही है, ये गांठिया है। अभी तक मुझे लगता था कि अहमदाबाद गुजरात में गांठिया, अहमदाबाद गुजरात के गांठिया अलग है, ये गांठिया अलग है, ये बेसन का गांठिया। और जो अभी आपने पहले दिया था वो क्या? डंकोली थी, डंकोली थी, मजेदार भाई साहब वाकई। अगर ये चीजें आप चाय के साथ खाना चाहते हो ना तो बीकानेर शहर आ जाओ, बीकानेर का ये जो खाना है ना फरसान, इतना कमाल का, इतना जबरदस्त है। ओ ये तो मलाई है, ये मलाई है, ये तो मलाई है भाई, वाह, ये जमनजी ब्रांड है भाई, जमनजी ब्रांड है, जमनजी, ये जमनजी ब्रांड है भाई, वाकई अपने भारत का ब्रांड है जमनजी, एक नंबर ब्रांड है, मेक इन इंडिया, और प्योर स्मूथली तेल का भुजिया है, कोई मिलावट नहीं है, और पिछले 3 सालों में ताबड़तोड़ बिक्री हो रही है, जबरदस्त। आप जहाँ भी जाएंगे, जहाँ बड़े स्टॉल आप देखेंगे, अगर आप जाएंगे शहर के अलावा, शहर से बाहर अगर आप बड़े स्टॉल से देखेंगे तो हो सकता है वहाँ पर भुजियों के तेल में अलग अलग तेल से बनते हो जी, लेकिन ये चौक जो है प्योर मूंगफली तेल का भुजिया ही बनाता है भाई साहब, एक नंबर है। मैं सिर्फ वीडियो के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं पर्सनली भी यहाँ से बहुत सारा भुजिया जो है वो पैक करा के लेके जाने वाला हूँ, क्योंकि भाई ना तो ये पंजाब में मिलेगा, ना ये हरियाणा में मिलेगा, ना राजस्थान में भी नहीं मिलेगा, बीकानेर के बाहर मिलेगा, बीकानेर के बाहर भी, बीकानेर के बाहर कहीं नहीं मिलेगा। भुजिया दिखाइए, ये 3 नंबर भुजिया है जी, अगर कोई ऐसा कलर खाना चाहे, बच्चा बुजुर्ग आदमी जिसके दांत नहीं हो, अरे कमजोर दांत हो तो वो ये आराम से भुजिया खा सकते। वाह वाह वाह, तो 3 नंबर छन्नी है, अलग अलग वो छन्नी दिखाएंगे 3 नंबर की भाई साहब, ये जो 3 नंबर 1 नंबर 2 नंबर हम करते हैं ना, छन्नी का नंबर है, अब मुझे पता चला भाई। ये देखो ये भांग वाले रेडी, और टेस्ट में कैसे होते हैं, ये स्वाद अच्छा होता है, कड़वा नहीं है, कड़वा नहीं, कड़वा नहीं,
भाई साहब एक ना मैं थंबनेल लेने के लिए चीज बोलता हूँ कि शादी हो गई, गर्लफ्रेंड कितनी है, यहाँ शादी होगी, शादी के पहले हंसते थे, मजाक में करता हूँ। तो आज मैंने भैया के साथ जो रिकॉर्ड किया वो अभी देखो एपिसोड क्या हुआ। सर शादी हो गई, गर्लफ्रेंड कितनी है, सहेली कितनी है, मेरी दो है, घर वाली एक बार वाली। सही बात है, सही है बिल्कुल। अब भांग के कितने पकौड़े खाए आपने? मैं खाता नहीं हूँ। अच्छा, मस्ती रहने का। तो आपकी एक घर वाली एक बाहर वाली है? हाँ। सर भाभी जी देखेंगे ये वीडियो? अच्छा, अगर देख लिया तो कुछ नहीं बोलेंगे, अगर बाहर वाली ने देख लिया तो? नहीं है। अच्छा, उनको भी नहीं पता जी? हाँ एक नंबर जी, ओ पीछे तीन नंबर भी आ गई। ये है भाई साहब, एक नंबर तीन नंबर जो सेव होती है ना वो इसी से बनती है, वो छन्नी का साइज होता है, इससे होता है भाई साहब भुजिया। बीकानेर में अगर आते हो ना तो भाई पेट खाली रख के आना, यहाँ बहुत भर देंगे, ज्यादा ही भर देंगे यहाँ पे। ओह, ये दुकान समझ लो भाई, यहाँ पे आ जाओ, सर को मिल लो, आप धन्य हो जाओगे। भाई साहब यहाँ पे बीकानेर में ना एक बहुत बढ़िया रिवाज है, एक ट्रेडिशन है आटा पट्टी बिस्किट्स का। तो मैंने सोचा कि इतना बढ़िया आपको खाना दिखा रहे हैं तो आटा पट्टी बिस्किट्स और एक बहुत जबरदस्त और बिस्किट है जो बनता है यहाँ पे, आपको दिखाते हैं कि क्या खास है। हरी जी नमस्कार। नमस्कार, क्या हाल चाल है सर? बढ़िया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपने समय दिया। सबसे पहले तो ये बताइए यहाँ पे आप क्या क्या और कैसे कैसे बनाते हैं? 70 साल से हम आटा बिस्किट बना रहे हैं। आटा पट्टी बिस्किट कौन से होते हैं? यही होते हैं आटा पट्टी बिस्किट। अच्छा, ये है जी आटा पट्टी बिस्किट, बड़े शहरों में कम ही मिलते हैं। अच्छा जी, सारा मैदा ही मैदा मिलता है, ये आटे का है। अच्छा, ये ओरिजिनल आटे का है भाई, शुद्ध घी का है। अच्छा, शुद्ध घी का है, ये है बात, ये तो कमाल की चीज है। ये देखिए इधर आटा पट्टी जो है ये फटाफट से रेडी हो रहे हैं और भैया इधर सटा रहे हैं। ये इधर का ले लीजिए जी। जी जी, दिखाइए सर, ये ले लीजिए। अरे वाह, ये सारे पैकेजिंग कर रखे हैं। और इधर भाई एक अवन है, ये इसको अवन बोलते हैं, अवन के अंदर मशीन में गोल घूम रहे हैं और जैसे हीट जो है वो अलग अलग तरीके से आती होगी इसके ऊपर ताकि अच्छे से बेक हो जाए आटे का। मल्टीग्रेन बिस्किट। अच्छा, मल्टीग्रेन भी है। बहुत बढ़िया यार, एक बार दिखाएंगे ये जो बैटर है इधर। बैटर चला रहे, इधर देखो भाई ये बैटर है, इसके अंदर देसी घी आटा और चीनी दूध। अच्छा, दूध भी है ये भाई साहब, इधर देखो देसी घी आटा और चीनी और दूध और ये अच्छे से मिक्स हो रहा है और फिर इसको मतलब इसमें कोई वो नहीं है जैसे गांठ या कुछ भी नहीं है ना, एकदम एकदम सॉफ्ट क्रीम जैसा हो गया, एकदम स्मूथ है। और फिर इसको ऐसे सांचों में कैसे डालते हैं सर? ये तो गोल वाला बना रहे, उधर वो बनेगा। ये देखो भाई, ये जैसे एक हलवा होता है ना, हलवे की तरह ये बन के तैयार हो गया। अब इसको दोबारा से फ्लैट कर रहे हैं और अंदर ना इतनी जबरदस्त खुशबू आ रही है हलवे जैसी। सर सूजी का तो कोई काम नहीं है इसमें ना? सूजी आटा ही है, वो मोटा आटा ही होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये देखिए क्या हाथ चल रहे हैं सर, 70 साल से। तो आप कितने साल से कर रहे हैं? मैं 35 साल। 35 साल से, बहुत ही बढ़िया, एकदम कमाल। ये देखो स्किल, वाह। हरी जी एक चीज बताइए, ये जो बेलन है ये घर तो नहीं लेके जाते ना? नहीं, पक्की बात है ना? पक्की बात है। कभी ये जो भाभी जी है उनके हाथ में तो नहीं आया ना? नहीं, पक्की बात है, क्योंकि नहीं तो मुश्किल हो जाएगा, है ना? ये हथियार हम तक ही रहना चाहिए। ये टेस्ट करो आप, ये रेडी है भाई, टेस्ट करते हैं। एकदम बढ़िया, ओ गरम गरम, 300 दे दो। मैं ज्यादा बोल रहा था, हरी जी ने मेरी जबान बंद करने के लिए बिस्किट दे दिया। क्या सर, क्या जबरदस्त है, ये मीठा वाला है। अच्छा, वो नमकीन था ना, वो नमकीन था, वो मीठा वाला है। हरी जी बोले बोल मत। हाँ है ना, सही है ना भैया? सही है, हैंडमेड प्रोसेस है ये जी। और ये जो ये सांचा कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? ये आटा पट्टी की का हैंडमेड मशीन है। ये आटा पट्टी की हैंडमेड मशीन है। अभी देखिए ये पूरा जो है इसको भर दिया जाएगा इसके अंदर। वाह क्या बात है यार। हरीश जी आपने अपने पिताजी से सीखा है? हाँ। वाह, तो जब वो सिखाते थे तो डांटते थे या प्यार से सिखाते थे? पूरा सब हाथ पांव चला के। बढ़िया, ये देखो इधर ये आना शुरू। वाह, ये क्या प्रोसेस है यार, जबरदस्त। मछली की तरह चलता है। मछली की तरह? मछली की तरह। अच्छा, मैं क्या मछली की तरह, मशीन की तरह इनका हाथ चलता है, क्या कमाल। ये देखिए स्पीड बहुत अच्छी है। स्पीड अच्छी लगती है आपको इनकी? इनकी स्पीड आपको अच्छी लगती है?
बढ़िया बढ़िया, 10 साल हो गए इनसे बिस्कुट मंगवाते हुए। अरे वाह क्या बात, हरीश जी आपकी तारीफ सब कर रहे हैं। दुकान का एक बार पता बता दीजिए, एड्रेस क्या है? स्टेशन रोड बिस्कुट वाली गली शीतल बेकरी बीकानेर जी। और टाइमिंग आपकी? टाइमिंग सुबह 10 से रात के 10 जी। और बिस्किट का क्या रेट है सर? 1 किलो जैसे बिस्किट लेने हो तो? देसी घी वाले 280 है केजी के, और नमकीन वाले 320 है केजी के जी, और नॉर्मल वाले 160 है। अच्छा 160 से चालू है डालडा? बढ़िया बढ़िया, जबरदस्त है यार। अगर आपको देसी घी वाले खाने हैं, डालडा वाले खाने हैं या नमकीन वाले खाने हैं, यहाँ पे आपको सब मिल जाएंगे। और ऐसे जबरदस्त तरीके से मशीन की तरह हरीश जी बनाते हैं। और ये देखो नीचे से अगर साँचा थोड़ा खराब हो जाता है तो उसको सेट भी कर लेते हैं। जबरदस्त, बहुत कमाल। एक चीज मैंने और देखी बीकानेर में, बहुत सही तरीका है, किसी भी गली का नाम जैसे चाय पट्टी बिस्किट वाली गली, भाई सिंपल कर दिया, एड्रेस पूछने की जरूरत ही नहीं, बिस्किट वाली गली मशहूर है। मशहूर है ये, बहुत बढ़िया। सर आपके हाथ पे क्या हुआ सर? गिर गया था। अरे अभी सही हो गए? ठीक है।